देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शनिवार को पपरवाटाड़ कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि युवक की गिरफ्तारी गावा थाना क्षेत्र के चिहुटिया गांव से हुई है। पकड़ा गया युवक मुकेश कुमार यादव गावा थाना क्षेत्र के चिहुटिया का रहने वाला है। बताया गया कि युवक किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि गावा थाना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गावा थाना प्रभारी सनी सुप्रभात के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान चिहुटिया गांव के समीप सुनसान स्थान पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोडेड देशी कट्टा और 5 जिंदा गोलियां बरामद की गई। पूछताछ में पकड़े गए युवक ने बताया कि पुरानी दुश्मनी में वह आपराधिक घटना को अंजाम देने आया था। एसपी ने कहा कि पूरे जिले भर में शनिवार को सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पकड़ा गया अपराधी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इस दौरान यह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरिडीह में सरस्वती पूजा का विसर्जन का जो है वो कार्यक्रम चल रहा है, और इसी क्रम में कल गावा थाना अंतर्गत सूचना मिली कि ग्राम चिहुटिया में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति जो है किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में है। और इसी सूचना पर तुरंत थाना प्रभारी गांवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसको सभी वैसे संदिग्ध स्थानों पर जाकर के छापामारी और जांच करने का आदेश दिया गया। थाना प्रभारी और उनके टीम के द्वारा जो ग्राम चिहुटिया पहुंचकर जब आवश्यक छानबीन और जांच की गई तो वहां एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था मिला और उसकी पूरी तरह से जांच करने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और 6 जीवित गोलियां भी बरामद की गई है। उससे पूछताछ पर बताया कि किसी व्यक्ति से उसकी दुश्मनी थी और उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने हेतु आया था, पर पुलिस के द्वारा जो है तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया गया और संबंधित घटना को भी होने से बचा दिया। और पकड़ाए व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश कुमार बताया और उसके पास से 5 पीस जिंदा कारतूस और एक लोडेड देसी कट्टा जो है वो बरामद किया गया है। और इसी प्रकार जो गांवा पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया है और सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना हो सकती थी जिसे रोका जा सका। सर, इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है? अभी तक तो उसमें आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं मिली है, परंतु इसने जो कुछ कन्फेस किया है उसके बाद भी जो है अनुसंधान चल रहा है और उसमें जो अपने सहयोगियों का नाम बताया है पुलिस उसके बारे में भी पता करने का प्रयास कर रही है। सर, रहने वाला कहाँ का है? ये गांवा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है।